फायरवर्क्स ऑन पावरपॉइंट। देखिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से फायरवर्क्स हम पावरपॉइंट पे रेडी करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेंगे कि किस तरीके से इसका हमें प्रीव्यू दिखेगा। तो देखिए आप कितना अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्रैकर्स आसमान में आता है, वहीं पे बस्ट हो जाता है और फिर इस तरीके से वो पूरे आसमान में फैल जाता है। तो ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्रैकर्स बनाएंगे और किस तरीके से उस पर एनिमेशन लगाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में देखिए फायरवर्क्स हम सीख रहे हैं जो कि बिल्कुल इजी मेथड से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक स्लाइड सबसे पहले ले लेंगे। यहाँ पे न्यू, देखिए होम टैब पे हैं और न्यू स्लाइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ब्लैंक स्लाइड। तो यहीं पे एक स्लाइड हम रेडी कर लेंगे। तो हमने एक स्लाइड ले ली है। अब इसके बाद क्या है, इंसर्ट टैब पे आएंगे, यहाँ पे शेप्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओवल, और इसको एक सर्कल के फॉर्मेट में यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शेप आउटलाइन पे हम क्या कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। अब हमें इसमें कलर फिल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शेप फॉर्मेट पे रहेंगे और यहाँ पे शेप फिल पे आ जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है मोर ग्रेडियंट, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेडियंट फिल, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स हमारे कितने रहेंगे, तीन। फर्स्ट हमारा स्टॉप ये है, सेकंड स्टॉप हमारा ये है, थर्ड स्टॉप ये है। अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अगर क्रॉस वाले पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। कौन सा डिलीट होगा, जो सेलेक्ट होगा। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया है और क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉपर हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो जितने भी स्टॉपर आपको लगाने हो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब इसमें हमें कलर देना है, तो फर्स्ट स्टॉपर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर ले लेंगे। इसमें कौन सा कलर लेंगे, ये ऑरेंज ले लेंगे। जो सेकंड स्टॉपर हमारा है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन कलर पे आ जाएंगे, इसका कौन सा कलर कर देंगे, रेड कर देंगे। और जो हमारा लास्ट स्टॉपर है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर आ जाएंगे, यहाँ पे कौन सा ले लेंगे, येलो ले लेंगे। तो हमने इस पर तीन कलर फिल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे देना है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। अभी देखिए रेड के हमारा सेंटर पे आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो जिस भी डायरेक्शन में हम चाहें उस डायरेक्शन में इसको ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप पे आ जाएंगे, देखिए लीनियर में है, रेडियल पे करेंगे। रेडियल किसके लिए होगा, सर्कल के लिए होगा। अब यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में हम चाहेंगे उस फॉर्मेट में ले लेंगे। तो हम ये वाला ले लेंगे कि सेंटर पे येलो, देखिए साइड साइड पे कैसा रेड हो जाए। तो हमने सर्कल का कलर तो सेट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इस पर एनिमेशन लगा देंगे। हम एनिमेशन टैब पे आएंगे, ऐड एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे फ्लाई इन। तो देखिए फ्लाई इन का ऑप्शन ये हमें मिल रहा है कि ये बॉटम से आएगा और यहाँ पर हमें दिखेगा। तो ये सर्कल का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक एनिमेशन इस पर और हम लगाएंगे कि जब यहाँ पे फ्लाई इन करके आएगा इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी एग्जिट करा देंगे, मीन्स ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे देखना है मोर एग्जिट इफेक्ट पे। जब इस पर आएंगे तो डिजॉल्व आउट कर देंगे तो यहाँ से देखिए डिसअपेयर हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे। तो इस पर दो एनिमेशन हमने लगाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन पैन लगा लेंगे कि जो भी एनिमेशन हमने लगाए हैं वो हमें दिख जाए। तो फर्स्ट वाला हमारा एनिमेशन क्या है कि फ्लाई इन करके आ रहा है, तो ये कब दिखे, विद प्रीवियस, कि जैसे ही स्लाइड शो हम स्टार्ट करें तभी हमें दिख जाए, हमें क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो सेकेंड वाला हमारा एनिमेशन है ये क्या है, आफ्टर प्रीवियस हम कर देंगे कि पहले फ्लाई इन हो और उसके बाद क्या हो, डिजॉल्व आउट हो। तो एक बार इतने का हम यहाँ पे प्रीव्यू देख लेंगे। तो देखिए आसमान, तो ये हमारी फर्स्ट देखिए स्लाइड चल गई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी स्लाइड है इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर देंगे हाइड। अब हमें क्या सेकेंड स्लाइड दिखेगी, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सर्कल आएगा और डिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स इसकी एग्जिट हो जाएगी। अब क्या है, इस पर हमें एनिमेशन लगाना है, तो एक शेप हमें और लेना होगा। हम इंसर्ट टैब पे आ जाएंगे, शेप्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्टार्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो स्टार्स में 32 पॉइंट का जो स्टार है आप वो ले लीजिए, हमने ये वाला ले लिया स्टार। और यहाँ पे देखिए येलो पॉइंट है, इसको अंदर साइड ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे शेप हमारा आ गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आ जाएंगे, शेप आउटलाइन जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डैशेस में ले लेंगे। तो हमने इस तरीके से डैशेस ले लिए हैं। अब इसमें कलर फिल करना है, तो देखिए ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन हमें यहीं पे पहले दिख रहा नहीं है, तो आप शेप फॉर्मेट पे आ जाएंगे, शेप फिल पे आके ये ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ग्रेडियंट फिल। अब देखिए हमारा कलर ऑटोमेटिक पहले से रेडी है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए, अदरवाइज हम यही वाला रखेंगे। टाइप में इसका क्या, हम रेडियल ही रखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसमें सेट कर दिया है, तो अब हमें सेकेंड टाइम इसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब क्या है, जो हमारा स्टार है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस जस्ट सर्कल के ऊपर इसकी
पोजिशनिंग कर देंगे। यहाँ पे एनिमेशन टैब पे आएंगे, ऐड एनिमेशन पे आएंगे, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, अपीयर पे क्लिक करेंगे कि अपीयर हो। अगर अपीयर नहीं लगाएंगे तो पहले से ही हमें दिखता रहेगा, तो हमने अपीयर किया कि ये अपीयर हो। ये कब अपीयर हो, यहाँ पे कर देंगे कि जब पहले वाला जो हमारा एनिमेशन है उसके बाद, तो आफ्टर प्रीवियस ये अपीयर हो जाए कि पहले सर्कल डिजॉल्व होगा उसके बाद हमारा ये स्टार दिखेगा। अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एड एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे ग्रो एंड श्रिंक कि बढ़ता हुआ दिखेगा आसमान में हमें, तो ग्रो एंड श्रिंक लगा दिया। तो ये वाला एनिमेशन कब हो, ये भी आफ्टर प्रीवियस हो, तो इसे भी हमने आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एड एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है मोर एग्जैक्ट इफेक्ट, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आ जाएंगे डिजॉल्व आउट, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब क्या है, एक बार इसका हम प्रीव्यू देख लेंगे। तो देखिए जो लास्ट वाला एनिमेशन लगाया है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये कब हो, आफ्टर प्रीवियस हो, तो सारे एनिमेशन हमारे सेट हो गए हैं। अब एक बार इसका प्रीव्यू देख लेंगे कि सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है, तो फर्स्ट वाला एनिमेशन हो गया है। अब क्या है, हमें इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे डिज़ाइन टैब पे और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम सॉलिड फिल पे, तो सॉलिड फिल पे आ गए और ये देखिए हमारा कलर कौन सा ले लेंगे, ब्लैक। तो देखिए बैकग्राउंड पे हमें कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लैक। अब एक बार इसका प्रीव्यू देख लेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अभी तो हमने एक रेडी कर लिया है, अब सेकेंड टाइप हमें रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी पोजिशन थोड़ी चेंज कर देंगे। हमने सर्कल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया तो इसे क्या हुआ, इसका डुप्लीकेट रेडी हो गया, तो इसको यहाँ पे रखा, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया और इसके जस्ट ऊपर इसकी पोजिशनिंग कर देंगे। अगेन हमने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से जितने भी हमें चाहिए हम कंट्रोल डी से उसका डुप्लीकेट रेडी कर लेंगे। तो हमने इसका डुप्लीकेट रेडी किया, इसको पोजिशन किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो इस तरीके से देखिए सबकी हम पोजिशनिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इतने क्रैकर्स हमने लगा लिए हैं। एक बार सबका प्रीव्यू हम यहाँ पे देख लेंगे किस तरीके से एनिमेशन आ रहा है। तो देखिए सब में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमें दिख रहा है, जैसा कि हमने एनिमेशन लगाया है कि हर बार एक सर्कल आसमान में आ रहा, वो वहीं पे बस्ट हो रहा, फिर उस पर हमें एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी क्या है, हमने बैकग्राउंड पे कलर लगाया। अगर आपको बैकग्राउंड पे कलर हटाना है तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पे सॉलिड फिल है और यहाँ पे कलर पे आके हम बैकग्राउंड पे क्या वाइट कलर कर देंगे। अब बैकग्राउंड पे हम जो इमेज लगाना चाहें वो इमेज लगा सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर हटा देंगे एनिमेशन पेन की, अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाएंगे, पिक्चर्स पे आ जाएंगे, दिस डिवाइस, जहाँ कहीं भी आपके सिस्टम पे पिक्चर सेव है आप वो पिक्चर ले लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे ये बैकग्राउंड ले लिया है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको हमने इंसर्ट करा लिया, तो बैकग्राउंड पे इमेज आ गई। अभी देखिए यहाँ पे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, मीन्स ये सेलेक्ट है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, बैक साइड भेज देंगे, तो सेंड टू बैक हमने कर दिया। तो इस तरीके से देखिए स्काई का कुछ हमें व्यू दिखेगा। अब हमें इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है, अब हम इसका देखिए कुछ प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो आप बैकग्राउंड पे अगर कलर लगाना चाहते हैं तो कलर भी लगा सकते हैं, अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि पावर पॉइंट पे अगर हमें फायरवर्क दिखाना है तो किस तरीके से हम रेडी करेंगे और किस तरीके से उस पर एनिमेशन लगाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।